हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम। देखिए दोस्तों, आज मेरा हुलिया आज मेरी चल रही है घर की पूरे खिड़कियों की, शीशों की, जालियों की क्लीनिंग, पूरे घर के कमरों की भी जितना हो पाएगा उतना मैं कवर करूँगी आज। ये देखिए मेरा हुलिया क्या हो रहा है, आज चुन्नी बांधी हुई है। ये यहाँ पर टेबल है, टेबल में नीचे सामान है तो मैंने इसको रख दिया है ताकि डस्ट ना जाए। ये मेरे हथियार तैयार हैं, इन हथियारों के बगैर तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब चलिए आप लोग मेरे साथ, क्योंकि हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, तो अब आराम से करूँगी। सुबह के बज चुके हैं 10:30। हस्बैंड को जाए हुए काफ़ी देर हो गई है, तो मैंने पूरा पहले किचन के बर्तन बुर्तन क्लीन करे, उसके बाद आ गई मैं जालियों में। अब इनको करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से करा नहीं है। वैसे मैं कर देती थी बीच बीच में, पर इस बार मैं कर नहीं पाई, पार्टी के चक्कर में बिजी रह जाती हूँ, तो आज पूरे ढंग से ही करना पड़ेगा। ये मैं रोशनदान में चली गई हूँ ऊपर, रोशनदान खोल दिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आती है रोशनदान में, क्योंकि रोशनदान में हाथ नहीं पहुँचता तो हाथ तब बड़ी दिक्कत आ जाती है, डस्ट ना जाए मुंह में, इसलिए मैंने मास्क भी चुन्नी से कवर कर लिया। हस्बैंड ने सुबह बोला था कि डस्ट ना जाए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी दीपावली तक। पूरी कोशिश करिए अपने आप को बचाने की, पर बस था कहाँ है। अंदर की हो चुकी थी पूरी जालियों की सफाई। अब देखिए दोस्तों, दाल रखी हुई है बाहर में जो खेत में दिखाई थी मैंने, वैसे तो सारे बंदर खा गए। अब मैं बाहर से करूँगी इन जालियों को साफ, जालियों के बाद करूँगी शीशों को साफ। चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में पूरा। अब देखिए, पहले मैं इन्हें झाड़ू से करती हूँ, उसके बाद देखेंगे शीशे को। शीशे काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, सफाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब झाड़ू से हो चुके थे साफ, तो मैंने कहा कॉलिन कहाँ मारना ना इतने शीशों में, तो मैं कपड़े से ही कर देती हूँ साफ। तो पहले मैं एक वैसे कपड़े से करती हूँ, दो दो तीन दिन कपड़े पकड़े मैंने हाथ में तो हो जाएंगे, लगी भी उनको करने में। अब आ गई हूँ दूसरे कमरे की खिड़की में, यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू से साफ नहीं करा है तो अभी इसको करना है, तो आप लोग देख ही रहिए आज मेरा काम। बाहर की सारी जालियां हो चुकी हैं साफ, अब आ गई मैं अंदर बैठक में, ये रह रखी है, तो पहले मैं पर्दे निकालूंगी उसके बाद ही देखूंगी इनको करने का, क्योंकि बाकी कमरे के तो पर्दे मैंने धुल दिए थे पहले ही, पर इनको नहीं किया था, तो धुलने का काम तो मैं बाद में करूँगी, आज मैं करूँगी शीशों को ओनली साफ करने का काम। लग चुकी है दोस्तों, और बाकी सारे कमरों के जालियां शीशे सारे साफ हो चुके हैं। अब रह रखा है ये बैठक, तो मैं इसको भी करके ही मानूंगी। अब मैं कहा आप बोर हो जाओगे तो आपको कहाँ दिखाऊँ इतनी लंबी सफाई। अभी तो वैसे कमरे के अंदर पूरा करना है, मैंने पूरा क्लीन करना है, तो मुझे स्यामी हो जाएगी, तो मिलती हूँ मैं आपको इसको करने के बाद। ओके दोस्तों, दोस्तों सारा काम फिनिश हो चुका है, पोछा हो चुका है, सारी डस्टिंग हो चुकी है, और शाम के बज गए 4:30। थकान से हो गया बुरा हाल, सुबह से लगी हुई हूँ मैं आज, 10:30 बजे से लगी हुई हूँ, और अब देखती हूँ। अब पहले नहा धो के आती हूँ, उसके बाद तब लोगों आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ, अब 5 बज चुके हैं, हस्बैंड भी आ चुके हैं, 5 नहीं 5:30 बज गए, बाबरे इतने लेट हो गया। हस्बैंड भी आ चुके हैं, अब चाय बनाती हूँ, बनेगी जो, कमर तो सीधी नहीं हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने बेड शीट भी डाल रखी थी धोने, अब उसको पानी से धोने के लिए डालना पड़ेगा, बाकी तो धुल चुके हैं। अब इस वाले खाने में डालती हूँ, साथ ही साथ बोल रही दोस्तों बहुत काम हो गया आज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको बाद।
डाल चुके हैं कपड़े इधर वाले खाने में, अब पानी डालते हैं इधर। अब बस ये छल जाएंगे साथ ही साथ, तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। घुमा दो उसको, चलो जी।